सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वो कान के नीचे बजा भी सकता है। खोजेंगे तो हर मंजिल की राह मिल जाएगी, सोचेंगे तो हर बात की वजह मिल जाएगी। जिंदगी इतनी भी मजबूर नहीं दोस्त, जिगर से जियो तो मौत भी जीने की अदा बन जाएगी। आज का पंचांग 1 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रात्रि 11:50 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र दोपहर 2:56 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:45 तक रहेगा। आज का बीजित मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:54 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर सुबह 9:36 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 1 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार, घर पर बिताया गया समय शांत और अच्छे कनेक्शन बनाने में मदद करता है। आपको आज कुछ नया पढ़ने या बदलने का मौका मिल सकता है। परिवार के साथ बातचीत विशेषकर माँ जैसी किसी से आपके आत्म मूल्य को बढ़ाएगी। आज आपके जीवन में असंतोष का भाव आएगा जिससे आपको लगेगा कि आपका जीवन नियंत्रण से परे है। आप ऐसे लोगों के इंतजार में हैं जो आपकी प्रतिभा पहचानेंगे। सही समय और सही जगह पर अपने विचारों को प्रस्तुत करें, इससे सफलता निश्चित है। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है, बिना किसी तैयारी के असफलता निश्चित है। आज थोड़ी सी सावधानी आपको किसी मुश्किल से बचा लेगी, इसलिए सचेत रहें और कोई भी कार्य करते समय दिल के बजाय दिमाग से निर्णय लें। प्रैक्टिकल होने से आप अपने कार्यों के प्रति ज्यादा अच्छी तरह निर्णय ले पाएंगे। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई पर भी रहेगा। हड़बड़ी में कोई निर्णय ना ले वरना दिक्कतें बढ़ सकती है। जिन बातों की वजह से दिक्कतें हो रही है उनका सामना करें और उन्हें दूर करें। अपने अनुभव का उपयोग करें, खुद को कमजोर न समझें। जो बातें सही हैं, केवल उन पर ध्यान दें। जीवन में सुधार हो सकता है, काम में गलतियां ना हो इस बात का ध्यान रखें। करियर संबंधित बातें आगे बढ़ेगी, स्किल्स को और बेहतर बनाने की भी कोशिश करें। पार्टनर के साथ संतुलन बनाए रखें, सेहत से जुड़ी समस्या को नजरअंदाज ना करें। सावधानियां, बच्चों का समय समय पर मार्गदर्शन करते रहना उनके मनोबल को बढ़ाएगा। किसी रिश्तेदार के हस्तक्षेप होने से परिवार में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। बेहतर होगा कि दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें। किसी संबंधी के साथ कोई विवाद चल रहा है तो अभी कोई समाधान नजर नहीं आएगा। बात करते हैं लव लाइफ की। प्यार के संबंधों में रूप रंग की खास अहमियत होती है, इसलिए अपनी सूरत पर भी ध्यान दें। एक नए हेयर स्टाइल से आप अपने साथी का नजरिया बदल सकती हैं। पहल करते हुए अपनी रोमांटिक भावनाओं को व्यक्त करें। एक साधारण चैट किसी खास के दिल में जगह बनाने में मदद करेगी। जीवन की असहनीय और अनियंत्रित होने के कारण आज आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। अतीत को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, यह न केवल आपके लिए बल्कि आपसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए अच्छा होगा। याद रखिए, प्यार बिना किसी शर्त के किया जाता है, इसलिए इनसे किसी समझौते की उम्मीद न रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। कार्य क्षेत्र में आपने जो पहचान बनाई है वो आपके भविष्य को सुरक्षित करती है और इससे आपको खुशी भी मिलती है। जो लोग बड़ी कंपनियों में काम करते हैं वो जल्दी ही अपने कौशल से अपने कंपनियों का नाम रोशन करेंगे। याद रखें, अहंकार अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। आपके मन में इस समय असंतोष की भावना घर कर गई है,
और इसको लेकर आप कुछ नहीं कर सकती, बस शांत रहें। अच्छा, आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपका अपनी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं है। अपने विचारों को व्यक्त करें तभी लोग सुनेंगे। हमेशा खुद को बदलते रहें क्योंकि बदलाव ही आपकी सफलता की निशानी है। बात करती हैं सेहत की। सेहत से जुड़ी समस्या को नजरअंदाज ना करें। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह की जांच कराते रहें। तनाव और कार्यभार की अधिकता की वजह से समस्या बढ़ सकती है। आज का उपाय, गरीबों को आज चावल का आप दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।